Hello everyone, welcome you all to YouTube channel Life is Awesome Civil Engineering Plans, Awesome House Plans and Civil Engineer Sushant. इस चैनल पर आप लोग सभी को स्वागत है. आज मैं आपको 33x40 फुट में बना हुआ प्लान के बारे में विस्तार में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. अगर आपका भी साउथ फेस का प्लान है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा. वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा एंड आपको इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा. इसमें कुल मिलाकर देखिएगा रेंटल पोर्शन मेन इसका इस घर का जो मेन इंटेंडेंस था रेंट पर्पज ही बनाया गया एंड इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एंड चलिए देखते हैं स्क्रीन पर किस तरह से क्या क्या डिटेल्स है वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे. ये है आपका प्लान एंड इसमें जो कंसिस्ट करता है इस तरह का ये टोटल कुल मिलाकर आपको 33 बाय 40 फीट में मिल रहा है एंड देखिएगा ये यहाँ से मेन एंट्रेंस दी गई है साउथ की तरफ से. इसका मेन एंट्रेंस जब आप फुल व्यू में देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा. ये आपका टोटल यहाँ पर मेन है. ओके यहाँ से एंटर करें आप तो एक स्टोरेज ओपनिंग के जैसा भी बनाया गया. यहाँ से मेन एंट्रेंस दी गई है. यहाँ इसके नीचे से आप एंटर हो गए तो ये आपका रूम आ जाएगा रूम नंबर बी 11 फुट 3 इंच बाय 11 फीट 11 6 बाय 11 फ्री में दी गई है. ये रूम नंबर इस नाम का है. रूम का साइज़ है बी एंड यहाँ पर एक विंडो ली गई है. विंडो का साइज़ देखिएगा आप 4x4 फुट में विंडो का साइज़ ले सकते हैं. ओके ये आपका 4x4 फुट में विंडो का साइज आ रहा है. यहाँ पर एक जाली मतलब ओपन स्पेस रखा गया या फिर टॉप में आप ओपन रखना चाहिए बिकॉज इन फ्यूचर में किसी को भी लाइक वेंटिलेशन के लिए जो है ये नेसेसरी पड़ जाएगा. फिर यहाँ से एंटर हो गए इधर देखिएगा यहाँ पर एक किचन मिला है 7x7 फुट में किचन. इधर 3 फुट का ओपन रखा गया. इधर आपका रूम नंबर 1 10x11 फुट 3 इंच में एक रूम नंबर 1 आ रहा है. तो बेड का पोजीशन भी दिखाया गया ताकि आपको भी कोई डाउट ना रह सके. इस तरह से जो है आपको बेड का पोजीशन मिल रहा है एंड फिर इधर जो है जाली है छत के ऊपर जाली आ जाएगा. ये आपका कॉमन टॉयलेट एंड बाथ और टॉयलेट रूम का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है 8x4 फुट में टॉयलेट रूम का साइज़. ओके दोस्तों फिर यहाँ से दूसरा पोर्शन में एंटर करते हैं. यहाँ पर रूम नंबर 1 जिसका साइज़ है 10x10 फुट 9 इंच. रूम का साइज़ जो है काफ़ी कंफर्टेबल ली गई है. इधर कोई वेंटिलेशन ऑफसेट एरिया नहीं छोड़ेगा बिकॉज बहुत ही कंजेस्टेड वे में इन्होंने बनाया है तो उसकी वजह से क्या है आप इस तरह से मत कर लीजिएगा. कम से कम 1 फुट का जगह आप छोड़ लीजिए. कम से कम 1 फुट का जगह छोड़ने का तो कोशिश कर लीजिए. उतना तो नेसेसरी है. एंड इधर एक किचन लिया गया 5x6 फुट में किचन. इधर है यहाँ से एंटर हो गया. ये 1 BHK पोर्शन या फिर 2 रूम वाला घर है. इधर छोटा सा हॉल के जैसा इस तरह से बनाया गया. सेम ये घर को एक सेपरेट सिंगल रूम बनाया गया कोई स्टूडेंट्स के पर्पोज उसके लिए उनके लिए जो है एक सिंगल रूम बनाया गया है. ओके स्टूडेंट्स के लिए. एंड यहाँ पर 4x4 फीट में जगह है. विंडो का साइज इधर 4 फीट का फ्रंट ये 3 फुट 3 इंच का जो है डोर का साइज ली गई है. इसके नीचे से एंटर कर टोटल जो है 8 फुट तक आपको जगह मिल जाएगा. तो फिलहाल के लिए स्टूडियो में बस इतना ही एंड इसका टूल खर्चा हो रहा है करीब आपको 8 लाख का खर्चा 10 लाख का खर्चा जरूर आ जाएगा. कॉलम जो है 9x15 इंच का कॉलम इसमें टोटल लिया गया. फिलहाल के लिए स्टूडियो में बस इतना ही. वीडियो को आप पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.